मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे हैं। उसी के क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है बेटा, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व करने का तरीका सीखा था, आज वही फिर हम लोग अप्लाई करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ए की वैल्यू आपको मिलेगी रूट 2, बी की वैल्यू आपको हो जाएगी 1, सी की वैल्यू हो गया रूट 2। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। जो वैल्यू हमें फाइंड हुई है उसको हम यहाँ रख देते हैं। वैल्यू आपके पास क्या है, बी की वैल्यू क्या मिला है, माइनस 1 रख दीजिए, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया अपान 2a। ए की वैल्यू आपके पास है रूट 2। एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 इंटू रूट 2, रूट 2 होता है 2 अपान रूट 2 रूट 2। नाउ एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 से 2 मल्टीप्लाई करिए आएगा 8 अपान 2 रूट 2। एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस मिलेगी वैल्यू यहाँ माइनस 7 अपान 2 रूट 2। ध्यान से देखिए, आई स्क्वायर की वैल्यू आपको इसके पहले बताई गई होता है माइनस 1, तो आई की वैल्यू होती है रूट माइनस 1। उसके अनुसार इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, अंडर रूट 7 आई अपान 2 रूट 2। बीच में आपके दो साइन दिया हुआ है, बारी बारी साइन लीजिए। प्लस चिन्ह लेने पर एक्स इक्वल टू पाओगे माइनस 1 प्लस रूट 7 आई अपान 2 रूट 2। माइनस साइन लेने पर ये मिलेगा आपको एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 7 आई 2 रूट 2। तो एक्स की वैल्यू आपको मिले माइनस 1 प्लस रूट 7 आई अपान 2 रूट 2। दूसरी वैल्यू आपके पास आई माइनस 1 माइनस रूट 7 आई अपान 2 रूट 2। यही हमारा बेटा आंसर है। थैंक यू।